The Ram Mandir consecration shall be taking place on the 22nd of January in a grand ceremony in Ayodhya. Ahead of this, people are flocking to the temple town from across the country. Excitement is bubbling on the ground. My colleague Akhand Pratap Singh joins us live from Tent City in Ayodhya. Kya vatavaran hai wahan aaj, Akhand? What is the situation like today as we build up to this 22nd of January? जी बिल्कुल, देखिए 500 वर्षों के लंबे संघर्ष का जो इंतजार है वो खत्म हुआ है और आराध्य 22 जनवरी को विराजमान होने वाले, जिसको लेकर के बेहद खास तैयारियां की जा रही है। मेरी मौजूदगी इस समय तीर्थ क्षेत्रपुरम टेंट सिटी में मौजूदगी है और यहां आपको तस्वीरों में दिखाना चाहिए कितनी खूबसूरत व्यवस्थाएं की गई। जो भी राम भक्त भगवान राम की नगरी में, जो भी जिनको निमंत्रण गया वो भगवान राम की नगरी पहुंचे, उनको लेकर के लगातार व्यवस्थाएं की जा रही है, लगातार तैयारियां की जा रही है। तो जिस तरीके से पूरी सुविधाओं से लैस होकर के पूरी अयोध्या तैयार हो गई है, भगवान राम की नगरी त्रेता युग की नगरी दिख रही है, हम जानना चाहेंगे, हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ यहां के संयोजक गजेंद्र जी हैं, इन्हीं से जानेंगे और इन्हीं से समझेंगे किस किस तरह से तैयारियां की गई, जो राम भक्त यहां पर पहुंचेंगे उनके लिए क्या सुविधाएं होंगी। जहां आप खड़े हैं इस क्षेत्र, इसका हमने नाम दिया है तीर्थ क्षेत्रपुरम, और जिस स्थान पर खड़े हैं इस परिसर का नाम दिया है हमने अशोक सिंघल परिसर, जो एक राम जन्म भूमि के आंदोलन से प्रारंभ से लेकर 1984 से जो अब आंदोलन प्रारंभ हुआ था तब से लेकर और आंदोलन से संबंधित जितने भी अभियान चले थे उन सब में वो रहे थे, ऐसे अशोक सिंघल परिसर इसका हमने नाम दिया है। आगे आप जब चलेंगे तो हमने ये आवास की व्यवस्था की है यहाँ पर, तो आवास में संत आने वाले हैं, उन संतों के लिए हमने यहाँ और नगर बसाए हैं। ऐसे कुल इस पूरे परिसर में हमने 6 नगर बनाए हैं, 6 नगरों के हमने अलग अलग नाम दिए हैं। जो मेहमान आएंगे उनके रुकने के लिए किस तरीके से उनकी गाड़ियाँ कहाँ पार्किंग होंगी, उनके लिए क्या सुविधाएं मुहैया कराएंगे, जो आएंगे उनके वाहन होंगे या फिर बुजुर्ग जो संत होंगे या जो लोग आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्था? सामने देख रहे हैं ये पूरी एक पार्किंग है अपनी, यहाँ पर हम लगभग एक 500 गाड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी वो हमने व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ सामने पार्किंग में खड़ी होंगी, फिर एक दूसरी पार्किंग इसके पीछे हमने पास में बनाई है वहाँ खड़ी करेंगे, और जो ऐसे बंधु हैं, ऐसे संत हैं जो चलने में जिनको थोड़ा कठिनाई है या ऐसा है, तो उनके लिए यहाँ से उनके आवास तक पहुँचाने के लिए हम ई रिक्शाओं की व्यवस्था करेंगे। आपसे भी बात करना चाहेंगे, 500 वर्षों का जो लंबा संघर्ष रहा इसको लोग देखते हुए कि आराध्य हमारे विराजमान होंगे तो कई लोगों की आंखें नम होंगी, कई पीढ़ियां बीत गई, लेकिन अब दिव्य महल में भगवान विराजमान होने हैं, इससे पहले तमाम संतों को भी निमंत्रण दिया गया, तमाम लोगों के लिए कितनी सुखद अनुभूति होती है? बहुत सुखद अनुभूति इस समय हम लोगों को हो रही है और पूरे देश क्या पूरे विश्व को सुखद अनुभूति है, कुछ नामचीन लोगों को छोड़कर। तो अगर यहाँ की व्यवस्थाओं की गजेंद्र जी बात की जाए तो ये जो सड़क है आप देख रहे हैं ये कब तक कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि जो लोग आएंगे साधु संत आएंगे बुजुर्ग लोग होंगे तो उनके लिए किस तरीके से यहाँ की जो सड़क के माध्यम से लोगों को किस तरीके से जोड़ा जाएगा? ये हमने जो सड़क बनाई है वो इसी प्रकार की रहनी है और ये हमारी लगभग कम्प्लीट है ऐसा ये अपने। तो अगर टेंट सिटी के अंदर की बात की जाए तो क्या कितने कमरे अभी तक बनाए गए हैं, क्या क्या सुविधाएं इसमें होंगी? लगभग हमने कुल मिलाकर एक 1450 कमरे हैं प्लस इन्हीं के साथ में हमने डोर मैट्रियाँ रखी हैं, तो यहाँ का एक कमरे में लेट बाथ अटैच है, 3 लोग उसमें 3 बेड ऐसे दिए हैं जिनमें 3 संत रह सकते हैं। बाद में फिर देश के अन्य प्रांतों से जो लोग ऐसे दर्शन करने वाले हैं, ऐसे श्रद्धालु जो आने वाले हैं उनके लिए भी हम यहाँ पर व्यवस्था रखेंगे। कितने लोगों को आपने लगाया है कि उनकी सेवा के लिए जब वो पहुँचेंगे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो, कितने आपके जो कार्यकर्ता हैं कितने लोगों को लगभग? अभी हमारे यहाँ लगभग 500 कार्यकर्ता यहाँ अभी व्यवस्था में आ गए हैं, यहाँ पर पूरे देश से भी हैं और अपना जो पूर्वी उत्तर प्रदेश जो क्षेत्र है इस क्षेत्र से भी हैं, ऐसे 500 कार्यकर्ता, कुछ अपने कार्यकर्ता पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी हैं, तो ऐसे 500 कार्यकर्ता भी आ गए हैं। जो संत आने वाले हैं तो उन संतों की सेवा करने वाले जिनको उनके बीच में कार्य का अनुभव है जो काम करते हैं, ऐसे भी जो धर्माचार्य संपर्क प्रमुख हैं उस प्रकार के जो अपने कार्यकर्ता हैं वो भी हमने यहाँ बुलाए हैं संतों की सेवा के लिए।
अगर बात किया जाए कि जब सारे लोग होंगे, क्योंकि देखिए कड़ाके की ठंड पड़ रही है, हाँ, तो 22 जनवरी को आराध्य विराजमान हो, ऐसे में जो संत लोग आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्था, ठंड से बचने के लिए क्या व्यवस्थाएं तीर्थक्षेत्रपुरम में की गई हैं, जो संत आएंगे उनके लिए क्या सुविधाएं होंगी? एक तो हमने प्रत्येक नगर में उनको स्नान के लिए गर्म पानी मिले, पीने के लिए गर्म पानी मिले, और प्रत्येक नगर में हमने स्थान स्थान पर ऐसे अलाव जलाने की भी व्यवस्था की है। तो अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें कि तीर्थ क्षेत्रपुरम में क्या जो लोग संत आएंगे, अगर उनको किसी बस उनकी तबीयत में या उनकी शारीरिक उसमें दिक्कत होती है, तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं आपने की है? आप थोड़ा पीछे, अपना एक चिकित्सालय हमने बनाया है जो एक इस पूरे परिसर का मुख्य चिकित्सालय हम कह सकते हैं, जो 10 बेड का है। उस 10 बेड के चिकित्सालय 24 घंटा और सभी सुविधाओं से लगभग वहाँ वो युक्त है। ये वार्ड संख्या एक है, क्रम वाज, देखिए क्रम वाज जो ये आवास बनाया गया है कि मार्ग संख्या एक है और ये गेट रूम नंबर एक है, क्या हम इसको खोलकर देखना भी चाहते हैं? किस तरीके से इसको आपने तैयार किया है, तो किस तरीके से आगे अगर आउट चलते हैं तो किसी भी रूम को, एक हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो एक बार देखना चाहें, और जो भी संत समाज के लोग आए तो उनके लिए किस तरीके से व्यवस्थाएं अंदर में की गई हैं? ये आपने जो मार्ग देखा है, तो इस सभी नगरों में हमारे मार्ग ऐसे बने हैं, प्रत्येक गली में ऐसे अलग अलग कमरे हैं, तो वो जो कमरे हैं उनका क्रमांक और किस लाइन में किस मार्ग पर कितने कमरे पड़ते हैं, तो ऐसे हमने कक्ष क्रमांक प्लस मार्ग का क्रमांक ऐसा दिया है। ये जो अभी आप देख रहे हैं इसमें हम अभी बिस्तर नहीं लगे हैं, संतों को ध्यान में रख कर उसी प्रकार के हमने बेडों की व्यवस्था की है। ये लेट बाथ अटैच कमरे हैं, तो ये संतों के लिए हैं। इसमें हम अभी 16 प्रकार की चीजें और रखने वाले हैं, बाथ है, मग्गा है, साबुनदानी है, बैठने के लिए पटरा है। इस लैट्रिन बाथरूम अटैच पूरा कंपार्ट आपने बनाया है कि जो सत्ता है उन्हें किसी प्रकार की जो वृद्ध है उनको दिक्कत ना हो, इसको लेकर के बनाया गया? हाँ जी, जो आयु के हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, और वैसे ही हम जो जिस प्रकार की आयु के लोग हैं उनको वैसी ही सुविधा देने वाले हैं। जिनको बैठने में असुविधा है उनको कम्बोर्ड देंगे, जो अपना आराम से चल सकते हैं तो उनको सामान्य जो शौचालय है वो देंगे। तो जो जितने भी वार्ड आपने बनाए हैं, जितने यूं कहा जाए जितने भी कंपार्ट आपने बनाए हैं, कि अभी तक टोटल बात किया जाए कितने कमरों को आपने तैयार कर दिया है, और उनके जो और लोग आएंगे, कहा जा रहा है 25,000 लोगों को रोकने की व्यवस्था तीर्थ क्षेत्रपुरम द्वारा ट्रस्ट द्वारा की गई है, वो उन लोगों की रुकने की व्यवस्था? लगभग 1450 कमरे हैं हमारे इसी प्रकार के जो अभी आपने देखे हैं। उसके बाद हमारी 308 दो नगर हैं जो हमने उनका नाम दिया डोरमेट्रियां हैं। उन डोरमेट्रियों की संख्या, ऐसा एक डोरमेट्री में 25 संख्या भी रह सकती है और 50 भी रह सकती है। इस प्रकार के हमने एक व्यवस्था की है जिसमें हम एक 15,000 तक यहाँ व्यवस्था कर सकें तीर्थ क्षेत्रपुरम में। कहाँ कहाँ ये टेंट सिटी जो आपकी बनाई द्वारा, ट्रस्ट द्वारा बनाई गई, कहाँ कहाँ ये सब बनाई गई हैं? ये एक अभी जो तीर्थ क्षेत्रपुरम है जहाँ हम लोग अभी हैं, दूसरा एक मणिराम छावनी जो प्राकृतिक चिकित्सालय के नाम से भी जानी जाती है, तीसरा कार सेवकपुरम, ये सभी ट्रस्ट के ओर से बनी हुई हैं। बात किया जाए तो जो लोग आएंगे उनके भोजन के प्रबंध किस तरीके से किए गए हैं, किस तरीके के भोजन होंगे, क्या क्या उसमें मेनू होगा, कौन से दिन कौन सा भोजन बनेगा? संतों के लिए जैसा भोजन चाहिए, शुद्ध सात्विक, और उसी प्रकार का भोजन है। किसी प्रकार का यहाँ अपने इस पूरे तीर्थ क्षेत्रपुरम में जो कहेंगे लहसुन है, प्याज है, इस प्रकार की किसी भी उसका हम प्रयोग इसमें भोजन में नहीं करने वाले। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये भोजनालय है हमारा, तो प्रांत के अनुसार जैसा जिसका टेस्ट है, मतलब भोजन के अलग अलग रहता है, अपना देश विविधताओं से है भरा हुआ है, तो ये अपना भोजनालय पंजाब के बंधु चला रहे हैं, अमृतसर के बंधु इसको चलाएंगे। जैसे सामने देख रहे हैं ना दुर्गियाना मंदिर है उसकी ओर से है, तो ये पूरा भोजनालय अपना बनकर तैयार है, अभी यहाँ प्रारंभ हो गया है। और हाँ, लगभग आज की तारीख में हम जितने व्यवस्था में कुछ कर्मचारी भी है,
व्यवस्था में लगे हुए कार्यकर्ता भी है। अभी जो अन्य अन्य प्रकार के लोग आ गए, ऐसे एक लगभग 1500 लोग हम अभी, आज हमने दोपहर में भोजन किया था, अभी शाम को 8 बजे हम फिर होगा। यहाँ लगभग रोज कितने लोग भोजन कर सकेंगे इस आपके भोजनालय में? ये एक समय में लगभग 2500 से 3000 लोग भोजन कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था की है। और जैसे तीर्थक्षेत्रपुरम में कई वार्ड बनाए हैं आपने, वो अगर देखें किन किन जैसे साधु संतों या महंतों के नाम पर है, किसके किसके नाम पर ये वार्ड बांटे गए? ये पहले तो ये जो पूरा आंदोलन जो चला है, ये राम जन्मभूमि का जो सबसे पहले आंदोलन में जो वाद दाखिल करने वाले थे, ऐसे महंत अभयराम दास जी, एक नगर उनके नाम पर है। फिर दूसरे इस आंदोलन से जुड़े रहे थे ऐसे महंत परमहंस रामचंद्र दास जी, तीसरे महंत अवेद्यनाथ जी, ऐसे फिर दो अपने इस पूरे आंदोलन के जो रचनाकार योजनाकार थे, ऐसे अपने मोरोपंजी पिंगले, और अपने विश्व हिंदू परिषद के एक और उपाध्यक्ष रहे थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपने ओमकार जी भावे, ऐसे 6 नामों से हमने यहाँ 6 नगर बनाए हैं ऐसा है। तो अगर बात किया जाए जब साधु संत लोगों ने उनको भोजन कराने के लिए, जैसे एक यूँ कहा जाए कि बैठा के भोजन होगा, फिर या उनके लिए कि एक समान तरीके से जैसे भंडारे चलते हैं उस तरीके से? नहीं नहीं, उनके लिए बैठा कर ये भोजन होगा। आप देखेंगे इधर ये कुर्सी मेज लगी है, हमने ये बैठा कर ही अपने कार्यकर्ता यहाँ भोजन करेंगे। उनके लिए वितरक है किस प्रकार का, तो वितरण करने वाले भी कार्यकर्ता जो रहने वाले हैं, वो संतों के बीच में जिस प्रकार का वितरण करने वाले लोग चाहिए, थोड़ा सामान्य बेस चाहिए, शुद्ध सात्विक ऐसे लोग चाहिए, हमने ऐसे कार्यकर्ताओं की भी सूची बनाई है जो इस काम में लगे रहे। कुछ लगातार जो संस्थाएं हैं वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। अभी बात किया जाए तीर्थक्षेत्रपुर में 4000 लीटर दूध की सप्लाई भी करने के लिए कुछ लोग आए हैं, तो उनके लिए भी जो यहाँ पर सहयोग करना चाहते हैं, दान करना, उनके लिए क्या व्यवस्था है? यहाँ तो जो आ रहे हैं वो कर रहे हैं सब, और अभी आपने मदर डेयरी का जो चर्चा की है, तो अभी उधर चलेंगे तो वहाँ पर मदर डेयरी के द्वारा उपलब्ध दूध वहाँ अपने जो झंडे वाला मंदिर की ओर से पूरे दिन 6 बजे से लेकर 17 घंटे चाय की उन्होंने व्यवस्था की है। जो श्रद्धालु यहाँ आएंगे, राम भक्त आएंगे, उन सबको चाय पिलाने का काम हमारे झंडे वाला मंदिर के द्वारा होगा। वो एक सामने कैंटीन है, सुबह से लेकर शाम तक वो ये काम करेंगे। अजय जी, अगर बात करें तो जो भंडार गिरी है वो सामान रखने को, यहाँ पर जो किचन है या कहा जाए जहाँ भोजनालय है, उस भोजनालय गिरी को इसके इसी परिसर में बनाया गया, इससे बाहर बनाया गया? यहाँ अलग अलग है, ये जो जहाँ भोजनालय में आप खड़े हैं इसी में हमने एक भंडार रखा है। अगर आप देखना चाहेंगे तो आगे भंडार है, उसी में भोजन का भंडार अलग है, उसी में रहने के लिए अलग व्यवस्था है, और वहीं पर भोजन बनाने की भी व्यवस्था है। सामने देखें, हमने ठंड को भी ध्यान में रखकर भोजनालयों का निर्माण किया है, उसको चारों तरफ से बंद किया है, उनको कोई किसी प्रकार की भोजन में बनाने में असुविधा ना हो, इस प्रकार की व्यवस्था हमने सबने की है। साधु संत जो लोग रुकेंगे यहाँ पे, जो धर्माचार्य रुकेंगे, उनको एक सात्विक भोजन की जरूरत, मतलब आवश्यकता होती, वो उनके भोजन में कितनी साफ सफाई होगी, किस तरीके के लोग रहेंगे जो भोजन बनाएंगे? कहीं कहीं जो महानता, बड़े बड़े विद्वान और महंत आ रहे हैं, उनके भोजन को किस तरीके से सफाई सुनी दी? स्वच्छता का हमने पूरा ध्यान रखा है, अभी भी आप देखेंगे तो सब स्वच्छता ही दिखाई देगी, उसके लिए हमने बाकी प्रांगण की स्वच्छता रहे, अभी हमने 70 ऐसे स्वच्छता कर्मी यहाँ पर हैं, और अन्य स्वच्छताओं की दृष्टि से भी हमने यहाँ लोगों को रखा है जो इस काम पर रोज प्रोग्राम, राममयी का प्रोग्राम होता है। हाँ, ये अपना जो भोजनालय है दुर्गयाणा मंदिर जो अमृतसर का है, ये उसके द्वारा ये भोजनालय चल रहा है। तो हैं कि भंडार गिरी किस तरीके से बनाए हैं आपने, और किन के जो संत समाज के लोग होंगे, श्रद्धालु होंगे, उनके लिए भोजन की जो उत्तम व्यवस्थाएं होंगी वो किस तरीके से? ये सामने देखेंगे आप, ये इनका पूरा भंडार है, और इस भंडार में आप ये थोड़ा ये पदवेश पहनकर थोड़ा जाने के लिए भी थोड़ा सा ऐसा, तो ये पूरा भंडार है, ये सब बंधु ये यहाँ इस व्यवस्था में लगे रहते हैं। ये सामने देख ही रहे हैं, पीछे मेरे देखेंगे तो भोजन बनाने का है, तो ये अमृतसर वाले बंधु अपने
भोजन में रोटी बनाने के लिए भी मशीन लेकर आए हैं, वो सामने देखेंगे वो मशीन से रोटी बन रही है, सब्जी है, बाकी भोजन बनाने की मशीन है, आप देखेंगे ये काफ़ी अच्छी रोटी भी बनाती है और कम इसमें परिश्रम भी लगता है। पूरी ये टेंट सिटी अत्याधुनिक सुविधाओं से भी लैस है कि जो भोजन बनाने वाले हों उनको भी किसी प्रकार की समस्या ना हो, जैसे रोटी की संख्या तो काफी ज्यादा होती है, हाँ बनाना होता है, तो इसके लिए जो मशीन लगाई गई थी ये ट्रस्ट द्वारा लगाई गई कि ये लोग खुद लेकर, ये अपने लेकर आए हैं, ट्रस्ट के द्वारा नहीं है, सब अपने लेकर आए हैं और समाज से हमको यहाँ थोड़ा सहयोग। अभी देखेंगे अभी आज रात्रि में ये टमाटर का सूप देने वाले हैं, तो अभी एक छत्तीसगढ़ झारखंड से और टमाटर आया है, तो इन्होंने क्या उपयोग करेंगे तो रात में सबको सूप देंगे, जैसा हमको मिलता है उसकी हिसाब से हम भोजन की सामग्री ऐसा खाद्य भोजन का ये सब बनाने का प्रयास करते हैं। दिनचर्या के हिसाब से क्या गजेंद्र जी भोजन की और रूटीन तय की गई है कि आज ये दिनचर्या होगी, आज इस प्रकार के भोजन होंगे, इस प्रकार से भोजन का प्रबंध किया जाएगा? हाँ, वो थोड़ा अब इन्होंने अपना मेनू बनाकर रखा है और उसके बाद सुबह 8 बजे जलपान और दोपहर 12:30 बजे भोजन, 4 बजे चाय के साथ में थोड़ा अल्पाहार और फिर रात्रि में 8 बजे भोजन, इस प्रकार का उन्होंने रखा है। साधु संतों के साथ जो अन्य 25,000 लोगों को रोकने की व्यवस्था, क्या उनके भोजन के लिए यहीं पर वो भोजन कर सकेंगे या फिर उनके लिए अलग कोई सेवाएं दी गई? अलग अलग है, हमने 6 भोजनालय बनाए हैं इसमें, पांच भोजनालय बनाए तो 6 हैं, लेकिन हम 5 को अभी उसको रखेंगे, एक हम उसको रिजर्व जैसा रखेंगे, तो ऐसे 5 भोजनालय बनाए, पांचों भोजनालय अलग अलग प्रांत के टेस्ट के हैं, ये पंजाब से हैं, एक महाराष्ट्र नागपुर से हैं, दूसरा तेलंगाना से है, ऐसे ही क्षेत्र को भी ध्यान में रखा है। अगर बात करें कि जो और लोग होंगे, जो 25,000 लोगों के रोकने की व्यवस्था है, अभी तक तो 1500 लोगों के रोकने की व्यवस्थाएं आप कर रहे हैं, 1500 कमरे बनकर तैयार हो गए, और उन लोगों के रोकने की व्यवस्थाएं क्या है, क्या उनके लिए कमरे होंगे कि एक सार्वजनिक हाल नुमा आप कमरे बनाए होंगे? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ही था, हमने ऐसी 308 डोरमेट्रियां बनाई है, उन डोरमेट्रियों की अलग अलग प्रकार से क्षमता है, किसी डोरमेट्री में 25 संख्या रहेगी, किसी में 50 रहेगी, 50 से ज्यादा की डोरमेट्री नहीं बनाई है हमने, जो ऐसे लोग रह सकते हैं। पार्किंग की बात की जाए, आपने कहा कि कुछ गाड़ियों की पार्किंग ले जो साधु संतों के साथ, लेकिन जो और अन्य लोग आएंगे, जैसे साधु संतों को यूं कहा जा माना जा रहा है कि जब भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन संतों को ले जाने के लिए ट्रस्ट किस तरीके की तैयारी कर रहा है, क्योंकि यहां से जो संत जाएंगे उनको यहां से राम मंदिर यानी भगवान राम लला के परिसर तक पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं? यहाँ दोनों प्रकार है, यहाँ से पहुँचने में लगभग 1-2 किलोमीटर की दूरी है और फिर हमने यहाँ पर एक लगभग 100 बसों की भी व्यवस्था करके रखी है, तो यहाँ से एक साथ सभी पहुँच सकें तो बसों से भी लेकर जाएंगे। वयोवृद्ध काफी बुजुर्ग लोग होंगे, उनके लिए जो चलने में असहाय होंगे, लेकिन ट्रस्ट ने कहा है कि जो असहाय हो वो ना आए, लेकिन अगर सपोज दैट मान लीजिए कि वो लोग आते हैं तो उनके लिए किस तरीके की सुविधा आप करने? इस प्रकार के जो ऐसे साधु संत आने वाले हैं उनके साथ में हम व्यवस्था की दृष्टि से एक एक कार्यकर्ता रखेंगे, जो उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, एक दूसरा उनको हम बस तक कैसे पहुंचा सकें या वहां तक नहीं ले जाकर हम कुछ दूसरा साधन कर सकते हैं, तो हमने ई रिक्शा की भी व्यवस्था की है। तो और जो लोग आएंगे उनकी तो बात साधु संतों की तो बात हुई, लेकिन जो और लोग आएंगे भगवान राम की नगरी में पहुंचेंगे जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद, आज ट्रस्ट महासचिव चंपत राय जी ने भी कहा कि जो लोग आएंगे उनको हम उत्तम व्यवस्था देंगे, पूरी अयोध्या हमने तैयार कर रखी है, पूरी तरीके से उनको हम सुविधा मुहैया कराएंगे, तो अगर बात करें कि इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के ठीक बाद ये कितने दिन तक का आपका ये भोजनालय का और ये टेंट सिटी का प्रोग्राम? अभी तक तो मुझे लगता है कि फरवरी तक तो ये अपना चलेगा ही टेंट सिटी, और समाज को रहने की व्यवस्था यहाँ तो है ही और अयोध्या जी में भी व्यवस्था की है, यहाँ सबको छाया मिल जाए, थोड़ा भूख शांत करने के लिए भोजन मिल जाए, ये सबकी व्यवस्था की है, तो अयोध्या जी में भी ऐसे अलग अलग स्थानों पर, और मेरी अभी चर्चा पूरी तरह से नहीं हुई है,
क्योंकि शायद लगभग एक 35 से 38 भोजनालय हम चलाएंगे, छोटे बड़े छोटे बड़े 35 से 38 भोजनालय चलाएंगे आप। तो जिस तरीके से अयोध्या में और श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए केवल 25,000 लोगों की यहाँ रोकने की व्यवस्था है, बाकी ट्रस्ट कर रहा है, बाकी जिला प्रशासन और मठ मंदिर कर रहे हैं, तो अयोध्या में जिस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, जाहिर सी बात है जो लोग आएंगे सर्द का मौसम है उनके ऊपर छत नहीं होगी, उनके लिए तीर्थ क्षेत्रपुरम या ट्रस्ट किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं? जो ऐसे लोग आएंगे हमारे यहाँ आएंगे तो उनको भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था जो हम कर सकते हैं आसानी से वो हम करेंगे। तो ये लोग भी हमारे साथ हैं, आपसे भी जानना चाहेंगे आप इस समय के यहाँ क्या करते हैं, किस पर? मैं यहाँ रिक्शा सेवा करता हूँ, जो भी सामान लाना ले जाना रहता है तो मुझको सामान लाने के लिए ले जाने के लिए अपना रिक्शा यूज किया हूँ। जी भाई साहब आप भी हैं, आप क्या किस प्रकार का सहयोग देते हैं? हम यहाँ सिक्योरिटी का सहयोग देते हैं, सिक्योरिटी का। अच्छा, सिक्योरिटी का सहयोग देते हैं। भैया आप भी हैं, राम नाम का श्री राम का जयकारा लगा, आज आए गोवा से आए हैं। हाँ, ड्राइवर आप यहाँ पे तीर्थ क्षेत्रपुरम में आए, किस तरीके से आप श्रद्धालु हैं या फिर यहाँ की सेवा के लिए आए? हम लोग यहाँ पे से गोवा से ड्राई फ्रूट लेके आए थे यहाँ पे देने के लिए, अभी आज आए हैं यहाँ पे, देखो रुकेंगे। 22 जनवरी को जब भगवान विराजमान हो जाएंगे, रामलला विराजमान हो जाएंगे, वो संघर्ष खत्म होगा। आज बात किया जाए तो ट्रस्ट के महासचिव चंपत जी ने कहा कि सारी सुविधाएं जो हैं वो हम मुहैया करा रहे हैं, लेकिन साथ में ही ट्रस्ट ये भी लोगों से अपील कर रहा है कि कम से कम संख्या में भगवान राम की नगरी में पहुंचे भगवान, क्योंकि अयोध्या बहुत यूं कहा जाए छोटी सी है, और इस तरीके से लगातार ट्रस्ट अपील कर रहा है। तो तैयारियों के अगर मद्देनजर देखा जाए तो यहाँ से लेकर के अगर जो तीर्थ क्षेत्रपुरम में रुकेंगे, जो कार्यशाला में रुकेंगे, कार्यशोकपुरम में, उनके लिए क्या सुविधा आप वहाँ देंगे? उनके लिए तो जो मैंने अभी बताया ये रहने खाने की व्यवस्था है ही, और पार्किंग को देखते हुए कि काफी संख्या में जो आएंगे, जाहिर सी बात हो अपने वाहनों से आएंगे, उनके दो चार लोग रहेंगे, जो बड़े संत रहेंगे उनके शिष्य रहेंगे, तो उनके लिए भी किस प्रकार की व्यवस्थाएं आप करेंगे? हमने यहाँ पर जो डोर मैट्रियां बनाई हैं और जो नगरों में भी हमने डोर मैट्रियां बनाई हैं, एक जिसमें 5 लोग रह सकते हैं ऐसी डोर मैट्री है, और जिसमें 10 लोग रह सकते हैं ऐसी डोर मैट्री है, तो उनके जो शिष्य रहेंगे हम उनके पास में ही जो हमने स्थान बनाया है उसमें उनको हम रखेंगे। तो पूरी नगरी को जिस तरीके से राम भक्तों का जो इंतजार था 500 वर्षों का, वो सपना, वो संघर्ष अब खत्म हुआ है। आराध्य 22 जनवरी को विराजमान होंगे। तो ट्रस्ट महासचिव चंपत राय ने आज लोगों से मुखाबित होते हुए उन्होंने साफ साफ बताया कि सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, 500 वर्षों का वो संघर्ष अब खत्म हुआ है, 22 जनवरी को आराध्य विराजमान होंगे। इससे पहले जो 4,000 साधु संत आएंगे, अन्य वेद अन्य ऋचाओं को जानने वाले लोग आएंगे, तमाम संभ्रांत लोगों को आमंत्रित किया गया है, तो उनके लिए पूरी टेंट सिटी सुविधा से लैस है भगवान राम की नगरी में। प्रतीक्षा यही है कि जल्द से जल्द यानी कुछ दिन बाद, महज कुछ दिन बाद भगवान राम जब विराजमान हो वो सारी सुविधाओं से अयोध्या लैस हो। तो तैयारियों की बात किया जाए तो तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं, लोगों को में काफी उत्साह भी है। जिस तरीके से, जिस जुनून के साथ, जिस तरीके से भगवान राम लला के 500 वर्षों का इंतजार करते हुए लोग अब पहुंचे हैं, अब वो दिन खत्म हो गया है कि 22 जनवरी का वो दिन बहुत तारीख बहुत नजदीक आ रही है, लोगों में उत्साह है और लोगों में ये उमंग है, लोग जोश के साथ हैं, हर राम भक्त अपने तरफ से कुछ न कुछ सेवा देना चाहता है, तो लगातार तीर्थ क्षेत्रपुरम जो उनके रहने की और भोजन की तैयारी कर रहा है। अखंड बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए। आप बता रहे हैं कि अयोध्या में इस वक्त क्या माहौल है, क्या वातावरण है, क्या भावनाएं हैं लोगों के वहाँ, स्थानीय लोगों के, और कुछ जो पर्यटक अभी पहुँच चुके हैं, काफ़ी दिन पहले पहुँच चुके हैं, सबकी नज़र 22 जनवरी पर है और हमारी खास न्यूज एक्स की कवरेज जारी रहेगी। फिलहाल अखंड बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.